दिल का दरिया बह ही गया, इसकी इबादत तू बन गया, मुझको तुझे तू थाम ले, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा है, तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना सहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना सहने लगे हम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबीबायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसा कि हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन एंड इट्स बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, ध्यान देना एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, उसको हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, जीन थेरेपी पढ़ा था, देन उसके साथ के साथ हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी डिस्कस करा था, जो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया था, तो आप उसको देखेंगे जिससे चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझेंगे, ध्यान देना। ये जो है लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है, ध्यान देना, इस चैप्टर का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का हमारे ख्याल से लास्ट लेक्चर होने वाला है, ध्यान देना। इसके बाद ये चैप्टर एंड अप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ध्यान देना। लगभग देखा जाए तो 11 या 12 लेक्चर के आसपास पूरा लेक्चर रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, ध्यान देना। और जितनी चीज़ें हैं हमने बहुत डेप्थ में कवर किया है, यानी दोनों चैप्टर ध्यान देना एक ही मतलब प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का, ध्यान देना, जिससे आपको चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आएगी, ध्यान समझेंगे, क्योंकि आप अगर सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखेंगे बहुत डिटेल में आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि जो भी लेक्चर बनाएगा काफ़ी डेप्थ में बनाएगा, काफ़ी चीज़ों के काफ़ी तह तक समझ रहे हो, काफ़ी तह तक जा करके लेक्चर को बनाया गया, ध्यान देना। ऐसा मत समझना कि बस ऊपर कवरअप करा गया है, तभी लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया, ध्यान देना। बात करने जा रहे हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, इसमें आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको परजीनी जंतु कहा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी जो ट्रांसजेनिक एनिमल आखिर होता क्या है, ध्यान देना, जो ट्रांसजेनिक एनिमल की जब हम बात करते हैं ये होता क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल, इसकी जरा हम बात कर ले, ध्यान देना। सिंपल सा मतलब होता है एनिमल विद मैनिपुलेटेड डीएनए, ध्यान देना, एनिमल विद मैनिपुलेटेड डीएनए, यानी कि एनिमल के अंदर, ध्यान देना, हम डीएनए के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, समझ रहे हो, यानी कि एनिमल के डीएनए में क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, समझ रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हैं, मैनिपुलेटेड विद डीएनए, एनिमल मैनिपुलेटेड विद डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल में कर क्या रहे हैं हम, किसी ना किसी एनिमल के, समझ रहे हो, उसके डीएनए के अंदर क्या कर रहे हैं, डीएनए को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, मैनिपुलेटेड का मतलब कि डीएनए के साथ अदला बदली कर रहे हैं, उसको हेरा फेरी कर दे रहे हैं, जिससे वो जीव जो हो अधिक प्रोडक्शन करने लगे, समझ रहे हो, अधिक प्रोडक्शन करने लगे। जैसे बहुत सारा है, जैसे बात करें ना काऊ वगैरह, जैसे कुछ काऊ के अंदर ऐसा जीन ट्रांसफर कर देंगे जिससे होगा क्या, वो जो काऊ होगी, जो गाय होगी, समझ रहे हो, अधिक दूध देने लगेगी, समझ रहे हो, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने लगेगा। और ध्यान देना ये भी हो सकता है कि उसमें हम कुछ ऐसा जीन ट्रांसफर कर दें, जैसे कोई काऊ है उसमें ऐसा जीन ट्रांसफर कर दे जिससे वो मेडिसिन, समझ रहे हो, वो मेडिसिन वाला जीन अगर उसमें हम ट्रांसफर कर दें उस काऊ के अंदर, तो वो काऊ जो दूध देगी, समझ रहे, जो मिल्क उसका हम लेंगे, उस मिल्क में, ध्यान देना, उस मेडिसिन का भी जीन होगा, समझ रहे हो, कहने का मतलब कि मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम दूध पियेंगे हमको मेडिसिन मिल जाएगा। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ध्यान देना, आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा डिमांड है, ये होगा, ध्यान देना, यानी कि दूध में पैरासीटामॉल टैबलेट वैबलेट लेने की जरूरत ही नहीं, बस दूध पी लिए पैरासीटामॉल चला गया अंदर, समझ रहे हो। तो साइंटिस्ट लोग ये सब, ध्यान देना, धीरे धीरे जो भी बायोटेक्नीशियन है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, ये सब खोज रहे हैं, आगे होगा भी, ध्यान देना, हो सकता है आप में से भी कोई आगे बायोटेक पे रिसर्च करे तो जा सकते हैं आप, बहुत अच्छे से, ध्यान देना। यानी कि हमने समझा ट्रांसजेनिक एनिमल होता क्या है, एनसीईआरटी बुक्स का, ध्यान देना, इसमें टोटली लाइन जो है एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ है, ध्यान देना। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पहली जो ट्रांसजेनिक काऊ है, देयर आर द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ की जब हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या था, रोजी था, ध्यान देना,
यानी कि पहली ट्रांसजेनिक काऊ का नाम जो था स्टूडेंट रोजी हुआ करता था, जो कि 1997 में सबसे पहले खोजा गया। ये काऊ क्या करती थी, ध्यान देना, जो गाय थी कुल मिलाकर कि ह्यूमन अल्फा लैक्टेल वुमेन, ध्यान देना ह्यूमन अल्फा लैक्टेल वुमेन, यानी कि ये प्रोटीन बनाती थी जो कि इसमें कितना परसेंट पाया जाता था, देयर आर इसमें एनसीईआरटी में ये भी लिखा गया है 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लैक्टेल वुमेन, दीज आर दी प्रोटीन्स आकर इन, ध्यान देना न्यूट्रिशनली, ध्यान देना काफी न्यूट्रिशनली जिसको बोलते हैं, दीज आर दी न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क। ये जो मिल्क होता है, इसका जो मिल्क होता है काफी न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड, अधिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, अधिक बैलेंस वे में न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसको सबसे पहले किसमें खोजा गया, हैजा रोजी काऊ में देखा जा रहा है, जिसको सबसे पहली ट्रांसजेनिक काऊ में, समझ रहे हो, उसके अंदर ऐसा जीन ट्रांसफर कर दे रहे हैं जो क्या बना रही है, ह्यूमन अल्फा लैक्टेल वुमेन बना रही है प्रोटीन, दीज आर दी 2.4 ग्राम पर लीटर जो कि दिया गया है वहां पे एनसीईआरटी बुक में, उसके साथ के साथ जो कि बताया जाता है, दीज आर दी कहा जाता है ऐसा न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क। ये मिल्क जो है काफी न्यूट्रिशनली है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व वगैरह पाए जा रहे हैं जो कि मोर बैलेंस्ड है, वही चीज बताया गया है। आगे हम बात करते हैं एज अ ह्यूमन प्रोटीन, और इसमें क्या कहा जाता है, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ध्यान देना ह्यूमन प्रोटीन जो होती है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो होती है ये यूज होती है, उपयोग की जाती है टू ट्रीट एम्फिसिमा डिजीज, ध्यान देना टू ट्रीट एम्फाइसिमा डिजीज। एम्फाइसिमा आपको पता होगा क्या होता है, एज आप 11 में पढ़े होंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जब डिसऑर्डर पढ़ते हैं, समझ रहे हो, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में आपको आपने पढ़ा है, ध्यान देना, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे अब लेक्चर उसका भी मिलेगा आपको, समझ रहे हो, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डिसऑर्डर जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे एक एम्फाइसिमा डिजीज रहता था ना, अस्थमा था। एम्फाइसिमा में होता क्या है कि जो उसका जो सरफेस होता है बढ़ जाता है, समझ रहे हो, कुल मिलाकर के इन्फ्लामेशन ऑफ अल्वियोलर मेम्ब्रेन, समझ रहे हो, अल्वियोलर मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखा जाता है, तो इसको एम्फाइसिमा कहते हैं, जिससे सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ध्यान देना, उसके लिए हम जानना ट्रीटमेंट तैयार क्या कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन प्रोटीन ह्यूमन बींग्स में यानी मानव में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, ध्यान देना ये प्रोटीन जो होती है यूज की जाती है, उपयोग की जाती है इसके ट्रीटमेंट में, एम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट में क्या की जाती है, उपयोग करी जाती है, वही चीज आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्या करा है, मेंशन किया गया है, ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक माइस के बारे में, ध्यान देना, ट्रांसजेनिक माइस का मतलब होता है, ट्रांसजेनिक माइस समझते हो, यानी कि चूहे जो है, जो चूहे होते हैं, ध्यान देना, अधिकतर उनके ऊपर ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन लॉन्च हुई, कोई भी वैक्सीन लॉन्च हुई, तो हमेशा वैक्सीन को जब हमको उसको परफॉर्म करना होता है कि हमारी ये वैक्सीन अच्छी है कि गड़बड़ है, अगर हम डायरेक्टली मानव पे लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो, तो हम सबसे पहले चूहे पे लगाते हैं, समझ रहे हो, चूहे पे लगाते जिससे चूहे मरे, पहले मानव पे लगाएंगे पता लगा, समझ रहे हो, ह्यूमन बींग्स में दिक्कत हो जाएगी, तो चूहे में लगाएंगे चूहा मर जाएगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ह्यूमन बींग में तो फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो, ह्यूमन बींग बड़ा प्राणी है, तो सबसे पहले करते क्या है, यानी हमारी दवाई सही है कि नहीं सही है, उसके लिए हम ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं, चूहे पे हम लगाने के बाद पता कर लेते हैं वहां पे ट्रांसजेनिक माइस में, ध्यान देना इस ट्रांसजेनिक माइस का यूज किसके लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताया है, देयर आर द ट्रांसजेनिक माइस इट विल बी यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ, ध्यान देना, पोलियो वैक्सीन, यानी कि जो पोलियो की वैक्सीन होती है उसको लगा के चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं, उसके सेफ्टी के लिए, ध्यान देना, एज अ ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन की जो सेफ्टी होती है उसके लिए क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं, ध्यान देना, ट्रांसजेनिक माइस इट इज यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस मतलब ट्रांसजेनिक चूहे, समझ रहे हो, परजीनी चूहे जिसको हिंदी में कह सकते हैं, परजीनी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल का हिंदी होता है, और ट्रांसजेनिक माइस का मतलब होता है परजीनी चूहे, समझ रहे हो, यानी कि ऐसे चूहे जिनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जीन इंसर्ट कर दे रहे हैं जो बता दे रहा है कि अच्छा वैक्सीन है कि गड़बड़ वैक्सीन है, गड़बड़ रहेगा तो चूहा हमारा डेड या डीके हो जाएगा, समझ रहे हो, डेड कर जाएगा, वही चीज। आगे हम बात करते हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल की स्टडी होती है, ध्यान देना, जो ट्रांसजेनिक एनिमल की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जो हम बात करते हैं, फॉर द डिजीज डायग्नोसिस, ये कुछ जो डिजीज होते हैं उनके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ध्यान देना, ट्रांसजेनिक एनिमल का जो यूज होता है, ध्यान देना, ये डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए होता है, यानी कौन सा डिजीज है उसके डायग्नोसिस के लिए, ये सब डिजीज के डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर रहे होते हैं,
जैसे कैंसर हो गया, इसको ठीक करने के लिए, समझते हो, डायग्नोसिस करने के लिए, समझ रहे हो, जिस पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं ना, इससे हम पता भी लगा सकते हैं, उस ट्रांसजेनिक एनिमल से पता कर सकते हैं कि फला डिजीज प्रेजेंट है कि नहीं, डायग्नोस कर सकते हैं, हाँ अकर है कि नहीं, पाया जा रहा है ये डिजीज प्रेजेंट है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, इसे हम ठीक भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई डिजीज, ध्यान देना, समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी बुक्स में आपके एग्जांपल दिए गए हैं, देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द ट्रांसजेनिक डायग्नोसिस, ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो यूज किया जाता है, स्टडी जो किया जाता है, इंपॉर्टेंट है डिजीज को डायग्नोसिट करने में, समझ रहे हो, डिजीज को डायग्नोसिटिक करने में, यानी कौन सा डिजीज पाया जा रहा है कि नहीं। जैसे कैंसर हो गया, ध्यान देना, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इंपॉर्टेंट है कैंसर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंपॉर्टेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन अल्जाइमर, अल्जाइमर देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब डिजीज के नेम है, ध्यान देना, ये सब डिजीज के नेम है जो कि कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ध्यान देना, स्टडी ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल, ध्यान देना, स्टडी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर द डिजीज डायग्नोसिस, यानी कि ये जो रोग दिखाए गए हैं, जो डिजीज का नाम लिखा गया है, इसको हम डायग्नोसिस करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से, ध्यान देना, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देन अल्जाइमर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज। ये डिजीज के बारे में स्टूडेंट हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे, ध्यान देना, कहाँ पे डिस्कस करेंगे, हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, ध्यान देना, आपको बस इसका एग्जाम्पल याद रखे रहना, इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। आगे की जो कहानी पढ़ना है हमको, ध्यान देना, आगे की जो कहानी कुछ इस प्रकार से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स में लिखा गया है, दीज आर दी जीईएसी, इंपॉर्टेंट है जीईएसी, जीईएसी का फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे, जीईएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, इंपॉर्टेंट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, समझ रहे हो, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जेनेटिकली इंजीनियर जो अप्रूवल कमेटी होती है, इसके अंतर्गत जैसे हमने मान लो कोई दवा बनाई, अब उस दवा को हमको लॉन्च करना है मार्केट में, तो समझ रहे हो, उस दवा को हमको मार्केट में पब्लिश करना है, समझ रहे हो, लॉन्च करना है, कुल मिला करके बेचना है, उसके लिए हमको लॉन्च करना होता है, पब्लिश करना होता है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले उससे अथॉरिटी लेनी होती है, समझ रहे हो, उससे हमको आदेश लेना पड़ता है, कुल मिला कर तुम्हारे उनसे अथॉरिटी लेनी पड़ती है कि हाँ फला दवाई हम लॉन्च कर सकते हैं, उससे प्रॉपर उनका, समझ रहे हो, पूरा अथॉरिटी का लिखा रहेगा, हाँ प्रॉपर अथॉराइड से, समझ रहे हो, पूरा सब कुछ लगा रहेगा जिससे हम आसानी से उसको हम सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस हमने दवा बनाई बस भेजना चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए ध्यान देना प्रॉपर ध्यान देना चीज़ें बनी हुई हैं, जिसको कहा जा रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, एक कमेटी होती है इसके लिए अलग से जिसको कहा जाता है जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ध्यान देना जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, जो कि कहा जाता है यहाँ पे लिखा भी गया है, मेक द डिसीजन ऑफ, ये डिसीजन देती है, मेक द डिसीजन रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, यानी कि आपने जो जीएम रिसर्च किया है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, समझ रहे हो, जो भी चीज़ें आपने तैयार किया है अनुवांशिक रूपांतरित रिसर्च की मदद से, हो सकता है कोई ड्रग्स तैयार किया है, कोई दवा तैयार किया है, कोई भी चीज़ तैयार किया है आपने, कोई वैक्सीन तैयार की है, यानी कि उस वैक्सीन को हम करते क्या है, सबसे पहले उससे क्या लेते हैं, ध्यान देना, मेक डिसीजन लेते हैं, वैलिडिटी उसकी प्रॉपर होती है, जो कि कहाँ पर लेना पड़ता है, जीईएसी से लेना पड़ता है, वही चीज़ बताया है, दैट इज द सेफ्टी ऑफ जीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पब्लिक, जो कि उसके लिए भी क्या होता है, काफ़ी सेफ्टी होती है, ताकि पता लगा वो अच्छा वैक्सीन उसने बताया, यानी कि जो एज अ कोई भी पर्सन है उन्होंने क्या करा, कोई साइंटिस्ट अच्छा रहेगा, कोई भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या करा, वो वैक्सीन बनाया, अब वो वैक्सीन बनाया तो समझ रहे हो उन्होंने क्या करा, हो सकता है मेडिसिन ही बनाई, सिंपल लेते हैं मेडिसिन, कोई दवा बनाई अच्छी खासी दवा मान लो, अब वो दवा को क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को दे रहे हैं, जिसे होगा क्या दिक्कत, क्या होगी दिक्कत, यही होगी कि उनका दवा, अब वो जो जो फार्मूला यूज किए हैं, वो फार्मूला दवा में फार्मूला यूज किए हैं, वो फार्मूला लेकर के कोई और कंपनी दवा बना सकती है, समझ रहे हो, जो भी साल्ट उन्होंने यूज किया है दवा के ऊपर फार्मूला लिखा रहता है ना, बहुत सारी दवा होती है, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह लेते हो वहाँ पे लिखा रहता है एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामॉल, ये सब ध्यान देना फार्मूला होता है, यानी कि उसको फार्मूला पता चला, उस फार्मूले से वो मेडिसिन तैयार कर देगी, अब जब वो मेडिसिन तैयार कर देगी
वो जो कंपनी होगी वो, कहने का मतलब वो उनका पेटेंट करा सकती है आसानी से, यानी कि वो जाकर के तुरंत इसे अथॉरिटी ले ले जीएसी से, वो तो नहीं लिए, वो लेकर के अब उसका मालिक वो बन जाएगी, समझ रहे, दूसरी वाली कंपनी उसकी मालिक बन गई। मेन मालिक कौन था? पहले वाला था, लेकिन पहले वाला तो जान नहीं पाया, उन्होंने अथॉरिटी ली नहीं, बस ऐसे ही सेल करना स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनका फार्मूला देखा, फार्मूला देखने से क्या किया, समझ रहे हो, फार्मूला देखा, जैसे ही उन्होंने अपना खुद का एक मेडिसिन तैयार किया उस तरीके से, जिससे उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि तुरंत जाकर के अथॉरिटी ले ली, यानी तुरंत उन्होंने जाकर के पेटेंट करा लिया, किससे, जीएसी से, जिससे मालिक वो बन जाएगा ना, मेन मालिक वो बन जाएगा दवा। लेकिन मेन मालिक था बेचारा ये वाला, समझ रहे हो, जिन्होंने पहले ही सब चीज़ें कर दिया था, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया, समझ रहे हो, वही चीज़। देखो वही चीज़, जैसे आप जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं मेंडल साहब के बारे में, तो मेंडल साहब क्या थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, लेकिन इतने दुर्भाग्यवश साइंटिस्ट रहे हैं, उनको वैज्ञानिक मतलब इतने दुर्भाग्यवश साइंटिस्ट बात कर ही रहे हैं मेंडल साहब जी, जिनको जीते जी वैज्ञानिक का दर्जा नहीं मिला, ध्यान देना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। या अगर तुम डॉक्टर बन जाओ, अगर तुमको कोई डॉक्टर कहकर ना बुलाए, तुमको कैसे लगेगा, बहुत वो लगेगा ना। लेकिन मेंडल साहब पूरे लाइफ तक वो क्या थे वो खुद नहीं जान पाए, समझ रहे हो, जो कि उनका ऐसा, हम डिटेल में बात करेंगे, जेनेटिक्स में बात नहीं करते हैं, लंबा लेक्चर हो जाएगा। देखो कहने का मतलब, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, जीईएसी क्या है। अब देखो जीईएसी से आगे चल करके यहाँ पे राइस के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, जो कि जीईएसी से रिलेटेड है, ध्यान देना। लगभग इतनी वेराइटी जो होती है राइस की, ध्यान देना, इंडिया में पाई जाती है, ध्यान देना, लगभग इतनी वेराइटी जो होती है, ध्यान देना, इंडिया में जो होती है पाई जाती है राइस की, इतनी वेराइटी जो होती है इंडिया में पाई जाती है, मतलब 20,000 के आसपास या 2 लाख मिलाकर के। अब इतनी जो वैरायटी पाई जाती है राइस की, ध्यान देना, जिसमें से बासमती जो है 27 वैरायटी, जिसमें बासमती की लगभग 27 वैरायटी होती है। बासमती खाते हो ना चावल, बासमती की लगभग 27 वैरायटी देखी जाती है, ध्यान देना। और देखा जाता है 1997 में ये बासमती की वैरायटी तो भारत की है, लेकिन अमेरिका ने क्या करा, इसका पेटेंट्स करा लिए, गेट पेटेंट्स ऑन बासमती राइस, ध्यान देना, यूसे पेटेंट्स और उसका ट्रेडमार्क ऑफिस में करा लिया अच्छे से। यहाँ पे एक काम क्या हुआ गलत, एक हिसाब से अमेरिका ने किया भारत के साथ अमेरिका ने ये काम गलत किया। गलत कैसे किया, क्योंकि वो जैसे काम तो किया भारत वाले ने, समझ रहे हो, दवा तो भारत वाले ने बनाया, इंडिया वाले ने, भैया इंडियन ही ज़्यादातर सब चीज़ें तैयार करते हैं, देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने बलबूते तैयार करते हैं, लेकिन उन्होंने बेचारे ने क्या करा, बासमती चावल तैयार की, भैया इंडिया, हम ही लोग इंडिया के हैं, ध्यान देना, भारत के हम ही लोग हैं, समझ रहे हो, हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना है, तो वही चीज़ है। तो कहने का मतलब उन्होंने बासमती की वैरायटी सबसे पहले भारत ने ही तैयार किया था, लेकिन हुआ क्या, उसका पेटेंट्स भारत ने नहीं करवाया, समझ रहे हो, इंडिया ने उसका पेटेंट नहीं करवाया, जिससे उसका पेटेंट अमेरिका ने करवा दिया। अब वो वैरायटी अमेरिका की हो गई, समझ रहे हो, बासमती अब किसके नाम पे हो गई, अमेरिका के नाम पे, समझ रहे हो, वही चीज़। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया है, इस तरीके से बताया है, टर्मरिक नीम जो होता है, ध्यान देना, ये देखा जाए कहीं ना कहीं इंडिया का है, समझ रहे हो, टर्मरिक नीम जो होता है इंडिया का है, लेकिन अभी तक इंडिया ने पेटेंट इसका नहीं करवाया है, ध्यान देना, इंडिया का है टर्मरिक नीम, लेकिन अभी तक इंडिया ने इसका पेटेंट नहीं करवाया है, जो कि कभी भी कोई, समझ रहे हो, पेटेंट करा सकता है, कोई विदेश पेटेंट करा सकता है, जिससे फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो इसको भी पेटेंट कराना चाहिए हमारे ख्याल से, ध्यान देना, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाते हैं, समझ रहे हो, उनका दर्जा मिलना चाहिए, तो इसके लिए पेटेंट वगैरह अच्छा से कराना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देना, एक प्रोसेस होता है लास्ट शेडिंग जो है, ध्यान देना, बायोपायरेसी जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में होता क्या चीज़ है, ध्यान देना, इसमें करते क्या है, लाइस ऑफ दी बायोपायरेसी यानी बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रॉपर ऑथोराइजेशन, समझ रहे हो, प्रॉपर ऑथोराइजेशन मतलब कि बिना कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, समझ रहे हो, जिन्होंने क्या करा, सपोज दैट सिंपल है, बायोपायरेसी में मतलब जैसे कोई एक कंपनी ने अपना दवा बनाई, छोटी कंपनी है, उन्होंने अपना दवा लॉन्च किया, समझ रहे हो, अब उन्होंने क्या करा, पेटेंट नहीं करवाया, अब उसकी ज़बरदस्ती क्या करी, वो सब, समझ रहे हो, फार्मूला वगैरह ले करके वो दूसरी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने क्या करा, उसका पेटेंट करवा लिया, ज़बरदस्ती पेटेंट करवा रहे हैं, ध्यान देना,
यानी कुछ कुल मिला से उसका साथ क्या कर रहे हैं, चोरी भी कर ले रहे हैं, समझ रहे हो, जिसको क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोल रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। ध्यान देना, बायोपायरेसी में हो क्या रहा है, यही हो रहा है लाइज ऑफ बायो रिसोर्सेज, उनके बहुत सारे बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, बनाया था उसने लेकिन वो सब यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो, दूसरी कंपनी उनकी बहुत सारी बायोपायरेसी रिसोर्सेज यानी बायो रिसोर्सेज जो भी है, हकदार तो ये है, हकदार तो उनके ये थे, लेकिन दूसरे वाले उनका खूब सारा रिसोर्स यूज कर रहे हैं। क्यों ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है, समझ रहे हो, ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं, यानी कि ये अधिक पावरफुल हैं, समझ रहे हो, इनके साथ इनके पास बहुत सारा पैसा वैसा है, तो ये खदेड़ ले रहे हैं, यानी कि अपने आप इसको चोरी कर ले रहे हैं, कुल मिलाकर के चोरी करना इस हिसाब से, जिसको बायोपायरेसी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है बायोपायरेसी, ध्यान देना, जो बायोपायरेसी होता है ये बोर्ड एग्जामिनेशन वाले के लिए, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में बायोपायरेसी एंड पेटेंट से क्वेश्चन आता है, सिंपल है, बायोपायरेसी मतलब बिना इजाजत के, बिना इजाजत के लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे कोई दवा बनाई कोई कंपनी, वो दवा बनाई उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, सेम वही दवा का फार्मूला बना लिया फलाना कंपनी ने, और फलाना कंपनी जो दवा बनाई उन्होंने क्या करा, समझ रहे हो, अपना बेच रहे हैं खुद सारा बिना पेटेंट कराया, समझ रहे हो, अगर पेटेंट करा लिए तो उनका हो गया, नहीं पेटेंट कराया तो अपना तो काम चल ही रहा है, समझ रहे हो, वही क्या है, बायोपायरेसी होता है, उसी को बायोपायरेसी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ आए होंगे, देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक वगैरह कर देंगे, ध्यान देना, और जो भी आपके संपर्क में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे, अभी तक हमने कभी नहीं कहा ज़्यादातर शेयर करने के लिए, अगर आप शेयर करेंगे तो जिससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे तो हम और सारे लेक्चर अपलोड करेंगे, ध्यान देना, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।